जेबी के सचंदनकारी प्रखंड कमेटी द्वारा शनिवार को बिजुलिया में मशाल जुलूस निकालकर हेमंत सरकार का विरोध किया गया। इस अवसर पर बिजुलिया विनोद चौक से MGM पब्लिक स्कूल तक मशाल जुलूस निकाला गया एवं मशाल जुलूस के बाद हेमंत सरकार का पुतला दहन किया गया। इसका नेतृत्व JBKSS के केंद्रीय संगठन सचिव जगन्नाथ रजवार ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में JBKSS कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर चंदनकारी चौक में केंद्रीय सचिव अर्जुन रजवार, हुटू पाथर मोड़ में सुखाय महतो, तलगड़िया मोड़ में मनोज रजवार ने पुतला दहन का नेतृत्व किया। इस अवसर पर केंद्रीय संगठन सचिव जगन्नाथ रजवार ने कहा कि हेमंत सरकार लाठी के बल पर जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। अपने लोकतांत्रिक के तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों एवं JBKSS के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार महतो पर हुई बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज का विरोध करते हुए इन्होंने कहा कि यह झारखंड सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है एवं लोकतांत्रिक तरीके से सभी को अपनी मांगें रखने का हक है और अपने मांगों को लेकर लड़ रहे सहायक पुलिसकर्मियों को JBKSS ने अपना नैतिक सहयोग देते हुए उनके समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुआ था, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा लाठी चार्ज किए जाने एवं हेमंत सरकार के अलोकतांत्रिक पूर्ण कार्रवाई का JBKSS निंदा करती है एवं इसका तीव्र भर्त्सना भी करती है। गौरतलब है कि सहायक पुलिसकर्मी पिछले 18 दिनों से रांची मोरहाबादी मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। उसके बाद शुक्रवार को CM आवास घेराव करने का कार्यक्रम लिया गया, जिसका JBKSS ने अपना नैतिक समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांग जायज है, इनके वेतनमान में बढ़ोतरी एवं स्थायीकरण होनी चाहिए। मशाल जुलूस के माध्यम से JBKSS ने आज शनिवार को प्रदेश व्यापी विरोध किया।